अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी की गई। घरेलू गैस सिलेंडर के भाव 100 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए गए। वहीं नई कीमतें लागू भी कर दी गई। भाव कटने के बाद महिलाएं भी खुश नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम कर दी है। सरकार ने इस निर्णय से राजस्थान में 1.4 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं को फायदा पहुँचेगा। राजस्थान में वर्तमान में तीनों सरकारी तेल गैस कंपनियों के करीब 1.78 करोड़ उपभोक्ता है। वहीं बाड़मेर में अभी साधारण उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम 936 रुपये में मिल रहा था, जो अब 836 रुपये में मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षाबंधन पर कीमतों में बदलाव किया गया था, तब केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद अब 100 रुपये कम किए गए हैं। वहीं ज़्यादा न सही पर 100 रुपये सिलेंडर सस्ता होने के बाद उपभोक्ताओं और विशेषकर गृहणियों में खुशी देखी जा सकती है। कीमतें कटने के बाद नई दरें शनिवार से लागू भी हो गई। बाड़मेर में गैस वितरक बताते हैं कि आदेश मिलने के साथ ही नई दरें शनिवार से लागू कर दी गई, जहां उपभोक्ता को 936 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 836 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। बाड़मेर तो टंकियों के भाव क्या है? अभी टंकियों के भाव कल 929 रुपये थे, कल रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे 829 रुपये हो गए हैं। महिला दिवस पे गवर्नमेंट ने 100 रुपये उपहार दिया है। शनिवार से घरेलू गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता होने के बाद आम उपभोक्ताओं ने कुछ ही हद तक राहत की सांस ली। उपभोक्ताओं का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस बीच सिलेंडर 100 रुपये सस्ता होने से जरूर कुछ राहत मिली। अब आमजन राज्य व केंद्र सरकार से आसमान छू रहे पेट्रोल व डीजल के भाव भी घटाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उपभोक्ता बताते हैं कि पेट्रोल व डीजल के भाव में कुछ कमी आए तो उनके जेब पर पड़ रहा अतिरिक्त भार कुछ हद तक कम होगा।